नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पूछता है झारखंड। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सदन में संग्राम, आखिर कैसे होगा काम, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार सवालों के घेरे में लगातार है और विपक्ष का आरोप है कि सरकार सवालों से भाग रही है। आज फिर सदन में संग्राम हुआ। नियोजन नीति पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप बीजेपी विधायक लगातार लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार नियोजन नीति को लेकर धोखा कर रही है जनता के साथ। नियोजन नीति पर विपक्ष ने कई तीखे तेवर आज दिखाए, सवाल पूछे। सदन के भीतर बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जैसा कि कल भी हुआ था। नियोजन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वार पलटवार का दौर चला। दरअसल 24 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर बीजेपी विधायक पहुंचे थे सोरेन सरकार को घेरने के लिए, और वही नारा जो पिछले दिनों लगा, 60-40 न्याय चल। तो इसी मुद्दे पर होगी बात। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों के ये तेवर संकेत दे रहे हैं कि झारखंड की सियासत ने हेमंत सरकार की घेराबंदी किस हद तक हो चुकी है। बीजेपी विधायकों का सदन में 60-40 ना चल तो लिखी टी शर्ट पहनकर पहुंचना सियासी सुर्खियों की दास्तान भले ही बन रहा है। नियोजन नीति को लेकर हेमंत की सरकार पर विपक्ष में बैठी बीजेपी हमलावर हो रही है। वैसे तो सोमवार को भी सियासी संग्राम का यही आलम था और मंगल को भी सियासी संग्राम जारी रहा। झारखंड की जनता कहेगी कि भाई आप लोग चुप क्यों रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछे, सदन चल रहा है। हाँ, सदन चलते अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो शायद हम लोग नहीं पूछते। हम लोग कहते कि कब कर रहे हो, ये बात हम लोग उनसे पूछते, लेकिन अब तो उन्होंने किया है तो फिर उनको बता। अरे इतने के लिए ही हम सब लोग सदन में बार बार आवाज उठा, अपने को भी अच्छा नहीं करते भाई। इतनी छोटी सी बात, अगर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से निर्णय लिया, अगर उस निर्णय को भी मुख्यमंत्री अपने मुख से बताने में संकोच कर रहे हैं, बताने में वो डर रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। तो ये गलत है कि नहीं है बताइए आप ही लोग, तो क्या दिक्कत है। कितना बड़ा मांग हम लोगों ने कहा, कितनी बड़ी बातें हम लोगों ने, तो छोटी सी बातें थी तो मुख्यमंत्री को कर। भाजपा के विधायक सदन में नारेबाजी कर रहे थे, मेज थपथपा रहे थे, तालियां बजाकर विरोध कर रहे थे। स्पीकर बार बार गुजारिश कर रहे थे कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, हमको भी एक दो सवाल लेकर पोहनी करने दीजिए। लेकिन भाजपा के विधायक सरकार को घेरने के लिए बेताब दिख रहे थे। अब विपक्ष का नियोजन नीति को लेकर सरकार से सवाल करना, सड़क से लेकर सदन तक सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आलम यह है कि सरकार के मंत्री विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि कृपया करके सदन में शांति का दान दीजिए। नियोजन नीति हम लोग अपना विधि सम्मत सब माननीय न्यायालय में कोई मामला है, कोई इधर उधर है, तो हम लोग पूरा एक बार मजबूती साथ बना के रखेंगे ताकि हम उसको कोई हिला डुला नहीं सके। लेकिन किसी कहने पर हम लोग तो लागू नहीं कर रहे हैं। सर, पहले कैबिनेट में लाएंगे क्या, कल फिर जो कैबिनेट आएगा उसमें नियोजन नीति का मामला रहेगा क्या? जो हम लोग मन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही बने। नियोजन नीति को लेकर सरकार की नीयत पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। अब भी सदन से लेकर सड़क तक सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी बीजेपी को इल्म है कि नियोजन नीति सरकार की कमजोर नब्ज है, जिसे जितना दबाया जाएगा सरकार उतना ही दर्द से कहराएगी। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो सदन में संग्राम, आखिर कैसे होगा काम, इसी पर मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। रांची से हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप सिन्हा साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और इंदुकांत दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिन्हा साहब, सदन में नहीं चलने दे रहे सर बजट सत्र पे, कम से कम चर्चा तो हो जाने दीजिए। सरकार कह रही भाई चर्चा करा लो, आप लगातार नियोजन नीति पर सदन को घेरते ही जा रहे हैं, सरकार को घेरते ही जा रहे हैं। सिन्हा साहब मांग कर रहे हैं कि जो कैबिनेट में आपने फैसला लिया, हाँ, जो कैबिनेट मीटिंग में बताया गया कि राज्य सरकार ने नियोजन नीति तय कर ली है, हाँ, उसको जो सदन चल रहा है वहाँ पर रखती जो सारी तो सरकार कहीं ना कहीं बनना चाहती है। अब बैकडोर से लाकर अगर आप राज्य की जनता पर थोपना चाहेंगे
छात्रों को बताना चाहेंगे कि हमने तो कर दिया, अब फिर कोर्ट में कोई चला जाए वहां से रिजेक्ट हो जाए। तो इस तरह से युवाओं का भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो ये 60-40 का चल रहा है ना कि नहीं चल दो, यहाँ स्थानीय भाषा में ऐसा कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, तो ये सरकार को कहना चाहिए कि भाई चलेगा, क्यों चलेगा वो हम बताते हैं आपको, लेकिन सरकार बताना भी नहीं चाह रही है। और जहां तक प्रश्न है कि अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर पर कैंपेन चलाया राज्य के युवाओं ने, तो उसको ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने युवाओं को बहकाकर इस तरह से कैंपेन चलवाया। जब नियोजन नीति कोर्ट से खारिज हो गई थी तब भी इन लोगों ने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट चले गए और यूपी बिहार के लोग कोर्ट चले गए, इसलिए खारिज हो गया। तो क्या वर्तमान सरकार जो लोग चला रहे हैं वो यह मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है, न उनकी राजनीति चल रही है न उनकी रणनीति चल रही है, तो आखिर किस बात के लिए सरकार में बैठे हैं? आपने 3 साल युवाओं का बर्बाद कर दिया, 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर दिया था, अभी फिर से आपने कहा कि 2023 नियुक्तियों का वर्ष होगा, आखिर कब होगा? राज्य के युवा यही तो पूछ रहे हैं आपसे, और हम सदन चूंकि चल रहा है हम उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए आपसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा। आपने जो तो कहा था कि 1932 का खतियान आधारित हम लोगों को नियोजन नीति देंगे, स्थानीय नीति देंगे, वो कब परिभाषित करेंगे आप? ठीक है, लक्ष्मीनारायण तिवारी जी बता दीजिए। जी सर, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई मुझे याद आती है। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा कि जो देखे मेरे शब्दों का, ये गोस्वामी तुलसी जी के शब्द हैं, इसका अर्थ का अनर्थ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने लिखा कि जो सठ चरण सकोमम टारी तो फिर ही राम सीता में हारी। कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, प्रदेश का सचिव, मैं बिना किसी पार्टी के बड़े नेताओं से पूछे बिना मैं एक बात रखता हूं और मैं चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जैसे पिछली बार जो नियुक्ति नियमावली लेकर सरकार आई थी, सरकार कोई ऐसी सरकार नहीं बनी है कि झारखंड का निर्माण हुआ और पहले हेमंत सोरेन जी बैठ गए, पहले जिन सरकारों के नेतृत्व में नियुक्ति नियमावली बनी और उसकी धज्जियां उड़ गई, हमारी सरकार ने जो नियुक्ति नियमावली बनाई है वो आपत्तिजनक है। जैसा कि अभी माननीय प्रदीप सिन्हा जी कह रहे थे कि 1932 का और ये 60-40 नए चलतो, तो नए चलतो भाई तो बताबे ना ये कौन चलतो, तो हमको बताइए बिना किसी से परमिशन लिए प्रदेश कांग्रेस का एक सचिव ये आपको चुनौती देते हुए निवेदन करता है कि बताइए कि आखिर नियुक्ति नियमावली में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए, क्योंकि आपने जो बताया था, सुन लीजिए तब बोलिए, घबराइए नहीं, सुन लीजिए, आपने जो बताया वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, हम जो बना रहे हैं 1932 नहीं 60-40 नहीं तो मान लिया नहीं, आप हमको बताइए और इंडिया वॉयस पर नहीं झारखंड के मंच से अधिकारी घोषणा करिए कि नई नियुक्ति नियमावली ये हमारी पार्टी का विचार है, हम बैठेंगे और कोई नया रास्ता निकलेगा। लेकिन ये सिर्फ कहना सोनी साहब कि ये ना चल तो विरोध के लिए विरोध बंद होना चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं, ये आपत्तिजनक है, झारखंड के हित में आप अपनी राय स्पष्ट रखिए, ये ना बोलिए कि सरकार जो कर रही है, हेमंत सोरेन जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब विधि सम्मत कानून आप लागू कर दीजिए, नियोजन नीति लागू कर दीजिए विधि सम्मत, आप राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल कह देते हैं कि विधि सम्मत नियोजन नीति नहीं है, इनकार कर देते हैं आपकी नियोजन नीति को। सोनी साहब हाँ, इनसे पूछिए कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रदीप सिन्हा जी तो नहीं कह सकेंगे, ये उनकी क्षमता के बाहर है, लेकिन आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश जी, सब लोग मिलजुल करके ये बताएं झारखंड के लोगों को, ये मुगालते में ना रखें, क्या बताएं, ये तालियां ना पीटें, विरोध के लिए विरोध न करें। बताना क्या है,
ये बताएं कि कैसी नियोजन नीति लाए सरकार। नहीं ठीक है, बता दिया ना, विधि सम्मत नियोजन नीति लाई है। अगर विधि सम्मत होती तो उसे हाईकोर्ट उसे डिक्लेयर नहीं करता। हाईकोर्ट ने भी तो निरस्त करने की बात कही थी ना सोनी साहब। झारखंड के हाईकोर्ट ने बात कही थी कि नहीं कही थी बताइए। सोनी साहब 10-20 सेकंड का निवेदन। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग लाएंगे, हाँ इनके पेट में दर्द होगा, वो नहीं बर्दाश्त है इनको, इनकी नीतियां तो पहले भी तो शराब लाए थे, पहले भी तो शराब लाए थे, हाईकोर्ट ने उसे खारिज करवा दिया। जुमले पढ़ेंगे सर। लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब पहले भी आप लाए थे, हाईकोर्ट ने उसे खारिज करा दिया। सुनिए ना, तो 13 जिला 11 जिला ऐसी नियुक्ति नियमावली बनती है क्या कि 13 जिला को रिजर्व कर दो 100%? ठीक है, प्रदीप सिन्हा जवाब दीजिए। प्रदीप सिन्हा खुला छोड़ दो, ऐसा होता है क्या? प्रदीप सिन्हा, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ये लोग हैं। ये तो जय श्री राम करते हैं, तालियां पीटते हैं। इनको मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अतिरिक्त कोई इनके पास मुद्दे नहीं है। इनसे पूछिए कि इनके आका जो बैठे हुए हैं ऊपर, यहां से लेकर वहां तक, वो बताए प्रदीप साहब, बताए हम बीच आप बोलने दीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ बोलने दीजिए प्रदीप साहब। जी अभी आपने कहा, हाँ आपने भी कहा तिवारी जी को, हाँ एक ऐसी नीति लेके आई जो विधि सम्मत हो। हाँ इनके विधि विभाग ने, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं ना, इनके विधि विभाग ने जब वो प्रारूप तैयार किया जा रहा था, विधि विभाग ने अपनी टिप्पणी दे दी थी कि संवैधानिक नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। तो किसके कहने पर फिर लेकर आए थे सदन में उसको? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। आज ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, अगर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई होती तो हम अपनी राय वहां बता चुके होते। लेकिन जब उनको विधि विभाग की भी नहीं सुननी है, विधि विभाग ने आपत्ति बता दी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जिद पर थे कि नहीं हमको तो यही करना है, अपने लोगों को संदेश देना है, भले हो या ना हो हम करके निकल जाएंगे। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया। हाँ। अभी इसका सारा खिकरा हम पर, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार को एक बार वो तो कह रहे हैं कि साहब राज्यपाल आपसे मिले हुए हैं, बीजेपी का राज्यपाल, बीजेपी ने अपने राज्यपाल बिठा दिया अलग अलग राज्यों में, और जो वैसा बीजेपी कहती है वैसा राज्यपाल करते हैं। कोर्ट में जो जज साहब ने आदेश दिया था वो क्या वही भारतीय जनता पार्टी? पता नहीं वो जज साहब पे भी आरोप लगाते हैं अभी, लक्ष्मीनारायण तिवारी, पता नहीं ना सर, यही तो दिक्कत है। अभी तो देखा ना आपने कि कोर्ट के फैसले को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभावित कर दिया, यूपी बिहार के लोगों ने प्रभावित कर दिया, ट्विटर पर कैंपेन चलता है तो वही बीजेपी के लोगों ने करवा दिया। तो फिर ये किस लिए बैठे हैं सत्ता में? सब बीजेपी ही करवा रही है, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा तो चले जाएगा छोड़ के। इनको चाहिए, क्या बात है, पेट में दर्द है, तिवारी हो रही है, इनको सरकार की चाबी चाहिए। आपके बीच में बोला नहीं तिवारी जी, इनको झारखंड की चाबी चाहिए सोनी साहब, इनको और कुछ पब्लिक से लेना देना नहीं है, इनको चाबी चाहिए। नहीं वो तो कह रहे हैं कि विधि सम्मत लागू कीजिए नियोजन नीति, चाबी नहीं चाहिए। अरे कौन सा विधि सम्मत, इनको कांग्रेस, देखिए ये कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनी जी ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी का नाम ना ले तो इनके बड़े नेता छोटे नेता जितने ले रहा है उसका, मंदबुद्धि बालक का कोई नाम भी नहीं ले रहा है। मैं कह रहा हूँ जो इनको नींद नहीं आएगी। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित साहब नियोजन नीति सोरेन सरकार विधि सम्मत लागू नहीं करे ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, और जब राज्यपाल ने खुद लौटा दिया इसके प्रस्ताव को कि भाई विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि विधि सम्मत नियोजन नीति लागू की जाए और पुरानी नियोजन नीति को उन्होंने खारिज कर दिया था, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक विधि सम्मत नियोजन नीति को लागू किया जाए, तो इसमें तकलीफ क्या होनी चाहिए सरकार को, कर देनी चाहिए जब हाईकोर्ट कह चुका है, राज्यपाल कह चुके हैं। जी शिवम जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, हमारे दोनों साथियों को भी नमस्कार। बड़ी बात क्या है कि जिस नियोजन नीति को रघुवर दास की सरकार ने लागू किया था और उसी से जुड़ा हुआ डोमिसाइल पॉलिसी थी जिसमें 1985 का कट ऑफ ईयर था उन्होंने लागू किया था, उसको उन्होंने करने के पहले तमाम राजनीतिक दलों से चर्चा की थी, तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा की थी, यहां तक कि मीडिया के लोगों से भी बुला के बातचीत किया था, उस विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया था और उसके बाद प्रॉपरली कैबिनेट में अप्रूव कर करके उसको लागू किया था और उसके आधार पर नियुक्तियां भी की थी। जो इस सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू की 1932 के खतियान की, जरा तिवारी जी बता दें अपने बारे में कि कितनी पार्टियों से उन्होंने डिस्कस किया था। अंग्रेजी में एक शब्द है
शिवम, टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स, किसी भी तरह से लोगों को, जनता को ये भरमाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, मूलवासियों के साथ खड़े हैं, आनंद फानंद में बिना किसी नियम कायदे के आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय को बांटकर पॉलिटिक्स करने के लिए, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने के लिए इनकी सरकार ने न सिर्फ 1932 का खतियान लागू किया, जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लागू होने पर चाईबासा के क्षेत्र के लोगों को तो कोई नियोजन ही नहीं मिलेगा, उनकी डोमिसाइल का क्या होगा, वहां तो 1932 खतियान जैसी कोई चीज नहीं है। उस पर सरकार को क्या सोचना नहीं चाहिए था, किसी से चर्चा क्यों उन्होंने लगने के पहले? ये जो अभी तिवारी साहब इतना बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मैं तो ये बड़ी अच्छी बात देखता हूँ कि आजकल तिवारी जी लोगों के बीच में चर्चा में इंटरसेप्ट नहीं करते, इंटरव्यू नहीं करते और अपनी बारी में अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन क्या इनकी सरकार ने भी ऐसी कोई अच्छी बात की, सबसे चर्चा की? ब्राउनी पॉइंट स्कोर करेंगे आप, फिर कहेंगे विपक्ष हमको बता दे, केवल विरोध के लिए विरोध न करे, आपने केवल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए उनसे 32 खतियान लागू किया, कितने लोगों से चर्चा की आपने? ठीक है, एक बार बता दीजिए। और दूसरा एक पॉइंट और, दसवीं और बारहवीं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, बता दीजिए 1932 के खतियान लागू करने से पहले आपने कितने लोगों के पास गए, कितनी पार्टियों के पास आप गए, मसौदा तैयार किया? फिर देखिए 1932 का खतियान लागू करने के पहले मैंने तैयार नहीं किया, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, बिना किसी पार्टी के बड़े नेताओं की अनुमति के बगैर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से थोक कर कहता हूँ कि जैसे अंगद जी ने कहा था कि यदि मेरा पैर उठा दे तो हम सीता को यहाँ ही हार गए और चल दिए भगवान राम को लेकर चले जाए, पार्टी का एक छोटा सा सिपाही आपके चैनल के बीच में टेबल ठोक के कह रहा है कि कौन विधि सम्मत, आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध की बात करते हैं, विधि सम्मत नहीं, आरोप लगाया जा रहा है कि भाई देखिए कांग्रेस तो गठबंधन में मेवा खा रही है, अब युवा बेचारा सड़क पर घूम रहा है, युवाओं के लिए विरोधी है ये नीति, सोनी साहब युवाओं का भला इस नियोजन नीति से कैसे होगा? सोनी साहब विरोध का झाल नहीं पीटा जाए, बताया जाए विधि सम्मत क्या है, आपके सुझाव ये भी बताएं, आप सुझाव अपने लिए बीजेपी से, आप यदि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, आपको जुमलों से परहेज करिए, आप झूठ मूठ को जो जैसे बाबूलाल मरांडी जी की सरकार पहली बार बनी थी, कितने नौजुआ का आत्मदाह कर लिए थे, आग लगाया था पेट्रोल छिड़क छिड़क कर, इसी मुद्दों पर भूल गए आप, उसको याद करिए, और ये बराबर जुमलों के आधार पर सिर्फ झूठी झूठी बात, सोनी जी झूठी बातें बहुत मीठी होती हैं, झूठ बहुत मीठा होता है, आप किसी को उठपटांग बोल के बरगलाना और सही मार्गदर्शन देना, सही सुझाव रखना, जनता की समस्याओं का निपटारा समय हो जाए, इसके संबंध में विचार रखना और अपनी बात रखना, ये दोनों बातें बार बार सरकार पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है, भाई विधि सम्मत बीजेपी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या है, क्या है बताइए, तो विधि सम्मत जो आपका जो मापदंड है वो पूरा हो जाएगा। सोनी साहब मान लीजिए 32 का खतियान गलत, 60-40 नहीं चलतो तो बताइए ना जी क्या चलतो, आप बताइए। अभी दीक्षित जी ने भी कहा ठीक कि कोल्हान क्षेत्र में 1932 का खतियान सर्वे हुआ ही नहीं, 1964 में हुआ, तो वहाँ कौन सी नीति लागू करेंगे आप? पूरे प्रदेश को आप इसी रंग से रंग देना चाहते हैं, और जहाँ तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, मैं समझता हूँ तिवारी जी इस डिबेट से जाने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहें, उनके सरकार में मंत्री भी हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंचा दें कि मैं तो कह के आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब घाव देंगे तो हम नीति लागू कर देंगे, है हिम्मत आपको कि अपने नेता को सुझाव दे सकें आप? देखें सुनिए है हिम्मत, मैं आपकी बात बीच में नहीं बोला मैं आपके बीच में नहीं बोला, ठीक इंतजार नहीं बोलता, आप अपने नेता को जाकर सुझाव दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की राय बहुत अहम है, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में मैं समझता हूँ राजनीति नहीं करती, और भी कहें अन्य दल है, कभी बुलाने की आपने कोशिश की कि एक सर्वसमावेशी अगर नीति बन जाए, किसी आपत्ति न हो, तो कहीं ना कहीं राज्य के युवाओं का भला हो जाएगा,
करने चले थे अकेले, तो आज भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा क्यों रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से सरकार आप चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। हम आपकी कमियों के आपको इशारा कर रहे हैं, आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। आपने जब अपने कंधे पर बोझ उठाया है तो गंतव्य तक उसको पहुंचाना भी आपकी जवाबदेही है। हम आपकी लाठी भी ढोने जा रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, जल्दी से फौरन। सोनी साहब, हाँ सोनी साहब, हाँ बहुत सुंदर बात इन्होंने कह डाली। हाँ ये तो कहते कहते कह गए अपनी बात के हम सुझाव क्यों देंगे, तो क्या सिर्फ विरोध करेंगे? ना चलतो, ना चलतो। विपक्ष की सकारात्मक, विपक्ष की भूमिका आपके आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजनीति राजनीति के लिए नहीं हो, आम जनता की समस्याओं पर मिल बैठ के निपटारा करिए, ढूंढिए उसको, कोल्हू की तरह आम जनता को पीसिए मत। आप अपना सुनिए सुनिए बोलने दीजिए। लेकिन लेकिन इंदुकांत दीक्षित साहब, इंदुकांत दीक्षित साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि ये विधि सम्मत नियोजन नीति को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई सियासी फायदा है, या नीति ना लागू करने से कांग्रेस को कोई या जेएमएम को कोई सियासी फायदा होता नजर आ रहा है आपकी नजर से? दो बातें साफ है। हाँ जो नियोजन नीति लेकर राज्य सरकार आई थी तिवारी जी की, हाँ तिवारी जी क्या इस चीज को झुठला सकते हैं? हाँ कि उस नियोजन नीति में क्लास 3 क्लास 4 की पोस्टिंग के लिए आप सोचिए, हाँ शिवम, वहां पे हिंदी भाषा को, भोजपुरी भाषा को और अंग्रेजी भाषा को उस लिस्ट से निकाल दिया। हाँ और कहा उर्दू पढ़ के आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। शर्म नहीं आती है? मतलब हिंदी को ऊपर आपने उर्दू को तरजीह दे दी आपकी सरकार ने, उर्दू से उर्दू का। तो जब हाईकोर्ट ने पूछा कि आप क्या ये अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए नहीं किए, कोई सर्वे कराया उर्दू को क्यों किया, भोजपुरी को क्यों छोड़ दिया, हिंदी को क्यों छोड़ दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब देखिए बात, इन्होंने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए किया। अब नए सिरे से न बिना वक्त गंवाए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए सारे लोगों को एक साथ बुलाना चाहिए जितना जल्दी हो, और सबसे राय ले। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और लक्ष्मीनारायण तिवारी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।